सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से। आज हम लोग किचन में कर रहे हैं कुकिंग, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते अचानक से बहुत जोर की लग गई थी भूख, तो सोचा क्या करें क्या करें। जब कुरकुरे खाना नहीं था तो हम लोग ने सोचा चलो बनाते हैं किचन में पास्ता। वो देखो ऐसा लग रहा है ट्रेन की विंडो से झांक रही है मैडम जी। तो अभी किचन में आके हम लोग बना रहे हैं पास्ता। चलो दिखा देते हैं हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है कम्प्लीट। ओके, तो ये हो रहा है हमारे पास्ता बॉयल और यहाँ पे प्याज हो रही है फ्राई। अब एक एक करके इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। हेलो गाइस, तो क्या मैं अच्छे से दिख रही हूँ? मैंने अभी इसमें डाला है आलू, तो क्या आपको परमानेंट गाइस से मैं लग रहा है कि ये दिख रहा है अंदर को सेड़ा उसके। हाँ तो गाइस हाँ सही है। तो गाइस अभी मैंने डाला इसमें आलू, तो क्या आपको प्रॉपर दिखा कि हमने आलू डाला? क्योंकि पल्लवी पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैं है नो गाइस, आप बताना कि आप देख सकते हो हमें। अभी मैं आलू चला रही हूँ कि आप देख पा रहे हो। और ये देखो धनिया, ये सब वेजिटेबल्स सारा पल्लवी साहू ने काटा है, बाकी हमने किया। उसने अपने मुंह से काटे कि उसके मुंह चपल 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 चलते तो उसमें टमाटर फंसा तो कट गए, धनिया लगा दी वो भी कट गई, मिर्च लगाई तो वो भी कट गई, क्योंकि उसका मुंह जो है वो ऑटोमेटिक मशीन के अलावा किचन से उसका कोई हम लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया क्योंकि उसका मुँह चलता है तो मुँह में सब्जी फंसाओ सब्जी कट जाएगी। वाओ, और साथ में हम चाय भी पी रहे हैं। सो गाइस मैं चाय भी पी रही हूँ। उबल गए वे, पूछो देख लो अब उबल गए। सो गाइस पास्ता बॉइल हो चुके हैं। सॉल्ट डालिए इसमें, जगन सॉल्ट, एड सम सॉल्ट इन इट स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, बताएंगे कितना होता है स्वाद, मम्मी का प्यार, नमक स्वाद अनुसार, और ये मेरे स्वाद का था, अपने स्वाद के हिसाब से डालू। अब पल्लवी के स्वाद तुम पे नमक नहीं डलती कभी, ऐसे नहीं डालती, तो फिर बाद में और डालियो, नहीं तो आलू खा मुंह में तभी डाल दे। एक अच्छे डाल रही हूँ। ओके, ऐड सम टर्मरिक। ओके, वेयर इज टर्मरिक? वो है टर्मरिक मतलब हल्दी का। हाथ अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टोमेटोज जो कि बहुत ही फाइन चॉप्ड हैं बाय पल्लवी शाहू, शी इज द बेस्ट चॉपर। उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं किचन में, सिर्फ एक ही चीज आता है वो सब्जी काटते हैं। वो सारी काटी गई थी पल्लवी के द्वारा क्योंकि उसको और कुछ नहीं आता है। अब मैं और जागृति कर रहे हैं कुकिंग। चलो देखते हैं क्या बनता है कैसे बनता है। कि जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, खाने में मजा आएगा। जल गई क्या हुआ पल्लवी? उसने गरम पास्ता अपने हाथ में रख के खाने गई थी। इतना कॉमन सेंस नहीं है इतना ज्यादा लालची होना भी अच्छी बात नहीं है। उबले हुए पास्ता खाना ट्राई कर रही थी, उबले हुए पास्ता सीधे हाथ में डालना ही हम लोग है कि मैम इसमें ठंडा पानी डालेंगी। दूर हो बेटा, हाँ और तेज धो क्या सिंक बॉस बेसन में धो लो। ये हो चुके हैं और इधर हो रहे हैं टमाटर पक रहे हैं इधर फुल सारे टमाटर है। और ये हैं पास्ता जो कि अभी हम ठंडे पानी में धो रहे हैं। हम एक शब्द बोलना भूल गए थे, हर कुत्ते का दिन। सो पल्लवी तेरा भी आएगा। बताइए मैडम जी, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा टेस्टी मसाला। एक नंबर का बनाएंगे और एक नंबर का स्वाद लेके खाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता मसाला। हम मिला देंगे और उसके पहले सबसे बड़ा टास्क अभी बाकी है हमारा करना, बाइक और चाहते थे जिम्मी कर लो नहीं तो नीचे से जलना जल है ना जल्दी ना जल्दी कनेक्ट कर लिया और तेज करो मैम को तेज नहीं होगा। अरे विनेगर तो डाला नहीं यार, अपने थोड़ा सा विनेगर डाले मस्त वाला पास्ता मैम ने बनाया। आखिरी पास्ता तो नहीं बन जाएगा ये पास्ता, उनके बाद पता नहीं खाने पसंद ना कर। चलो फाइनली वी आर डन विद अवर पास्ता। इसको निकालते हैं, इसको और प्लेटिंग करते हैं।
फाइनली हमारा पास्ता जो है बनके रेडी हो चुका है। ये दो कैंडिडेट इधर, दो कैंडिडेट इधर। अब हम करने वाले हैं क्या, थूसोलॉजी। अभी हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं, खाएंगे और टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा लगा। अब हम सबकी मेहनत थी तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा बनेगा। चलो टेस्ट करो, देखने में तो बहुत ऑसम लग रहा है। पल्लवी ने पहले टेस्ट कर लिया है, सो फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना ज़्यादा पास्ता खा लिया था, लिटरली किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी, सब लुढ़के पड़े थे। ये लोग बड़ी मुश्किल से घर गए, मैं डायरेक्ट सो गई, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब मिलेंगे आपसे डायरेक्ट कल सुबह मॉर्निंग। फ्रेंड हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, बहुत लेट उठी हूँ, 9:30 बजे। मम्मा गुस्सा हो नहीं तो उठ जा। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। अभी अभी उठे हैं, लेट हो गया है तो उठने में लिटरली थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। तो चलो जल्दी से ब्रश वगैरह करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे अभी जो कार्यक्रम है वो आज के दिन का करने वाले हैं। धूप तो बहुत जोर की निकली है बाहर, चलो फटाक से ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर चलेंगे ऊपर, प्लांट्स में पानी वगैरह देंगे, फिर आज जो भी करेंगे कुछ अच्छा सा करने का सोच रहे हैं। तो बताते हैं क्या करते हैं, कि तो बस बने रहो, देखते रहो। सो आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि है टी, बिस्किट एंड बॉयल एग। तो चलो फटाक से खाते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है। ये बेड वगैरह का बेडशीट चेंज करना है और पूरा रूम तहस नहस हो रखा है, बहुत सारा काम करना है। तो चलिए फटाक से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा काम करना है को है। संडे वैसे ही मेरा जो लेज़ी डे होता है, संडे जो है वो वैसे ही मेरा बहुत लेज़ी जाता है, लेज़ी डे। लेकिन आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, मैं हर संडे को बहुत सारी चीज़ें सोच के रखती हूँ, ये करेंगे उठते ही ऐसा ऐसा है, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता है आलस के चक्कर में। तो आज सोच रहे हैं, ऑलरेडी 9:30 बजे उठे थे, आधा घंटा और चला गया, 10 के ऊपर ही हो चुके हैं। तो फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद रूम वगैरह क्लीन कर लेंगे, बेड वेड ठीक करेंगे। उसके बाद आज मैं कुछ पैम्पर करने वाली हूँ अपने आप को। करीबन 2-3 महीने से मैंने स्किन वगैरह कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करी है, अब ठंड आ रही है तो मेरी स्किन थोड़ी ठंड में ड्राई हो रही है, और थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स तो नहीं बोल सकते, वाइट हेड की प्रॉब्लम्स हो रही है इधर इधर नोजेस पे, बिकॉज अभी तो विंटर आ रहा है तो मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, ऑयली ऑयली। और मेरा क्या है ना, स्किन पहले जब अपन नहाते हैं या कुछ भी करते हैं उस टाइम से 1.5 घंटे तक बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। लेकिन जब 1 से 1.5 घंटे में जब स्किन ड्राई होती है उस टाइम, तो हम भर भर के मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं कि स्किन ड्राई ना हो, तो उस टाइम पर ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली जैसे हम बाहर बाहर निकलते हैं मेरा पूरा फेस जो है वो ऑयली हो जाता है। तो जो पहले से अपन ने ऑयल अप्लाई करके रखा है और बाद में जो ऑयली हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही पैची सा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है डस्ट वगैरह लग जाती है। अब स्कूल में तो बोर्ड में लिखना होता है, तो चौक वगैरह भी आते हैं तो वो फेस पे गिरता है, जिसके लिए मुझे हल्के हल्के से वाइट हेड्स की इधर इधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसको मैं आज करने वाली हूँ ठीक, वो भी होम रेमेडी के साथ। तो कैसे करेंगे तो बने रहिए, देखते रहिए। और बाल वाल का भी कुछ करेंगे, तो जो भी करेंगे, अभी सोचा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन पहले से मैं आपको एडवांस में बोलूँगी नहीं ये वो, क्योंकि अगर मैं बाद में नहीं कर पाई तो आप बोलोगे अरे ब्लॉग में तो पहले ही बोल दिया था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर किया कुछ भी नहीं। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले नंबर तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो चुका है, ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने रूम्स वगैरह भी क्लीन कर लिया अच्छे से, ये भी और अंदर का रूम वगैरह सब क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है नहाने की, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि संडे मेरा लेजीएस्ट डे होता है, तो पता ही नहीं चल रहा कैसे कब टाइम चला जाता है, कहीं यहाँ बैठो वहाँ बैठो ये करो वो करो। चलो अब जल्दी नहाने की बारी आती है, उसके पहले थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, फेस पे कुछ करने वाले हैं, हेयर का कुछ भी है, तो चलो जो भी है फटाक से आपको दिखाते हैं, फिर जाएंगे नहाने। तो देख लीजिए अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो ये है वो दो चीज़ जिसकी हेल्प से मैं अपने बालों को आज ठीक करने वाली हूँ। फर्स्ट है लेमन और सेकंड है एलोवेरा, उनकी ये दोनों ही मेरे घर के हैं, घर के अंदर से सबके घर में होते हैं लेकिन पेड़ के हैं, मेरे घर के पेड़ के हैं ये एलोवेरा प्लस लेमन। लेमन भी मैं अभी छत पे पेड़ लगा, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं मैं लेमन को तोड़ के लाई हूँ, और एलोवेरा का भी प्लांट है मेरे घर में, मैं दोनों के दोनों एकदम फ्रेश फ्रेश चीज़ों को तोड़ के लाई हूँ। तो चलो अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड फाइनली मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया अपना हेयर ट्रीटमेंट, और वीडियो में पूरे की डिटेल के साथ नहीं बता पा रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, तो मैंने इसका एक अलग से पार्ट बनाया जहाँ पर मैं अपना पूरा संडे का ट्रीटमेंट था या रूटीन था मेरा वो मैं दिखाने वाली हूँ। स्किन केयर अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा अपने स्कैल्प पे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पूरा इसी के ऊपर होगा कि कैसे किया है। 20 मिनट में इसको वॉश करने वाली हूँ, तब तक 20 मिनट में क्या करें हम, फेस के लिए कुछ ट्राई करते हैं, फेस को भी अच्छा बनाते हैं। आप देख सकते हो फेस भी पहले से बहुत डल हो चुका है, और यहाँ पे हल्के से वाइट हेड है, मतलब कैमरे में तो क्या, तो सामने भी मेरा इंसान होगा उसको भी नहीं दिखेगा, बहुत रेयर है, बट मुझको फील हो रहा है, जिसकी स्किन होती है उसको ज़्यादा फील होता है। तो मैं जब इधर हाथ वाथ लगाती हूँ तो मुझे हल्का हल्का सा फील होता है, तो चलो इसको रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए भैया स्किन पे, है ना।
चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सो अब मैं लिटरली अपना स्किन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले मैं अपने फेस को करूँगी अच्छे से क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल की वीडियो आपको नेक्स्ट वाली मिल जाएगी, तो आराम से देखना, प्रॉपर देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे हैक्स हैं इसमें। बिना पैक अप्लाई करे पहले से स्किन थोड़ी ग्लो ग्लो सी लगने लगी है ना, लग रही है मुझे तो लग रही है, आप बताना देखो हैंड्स के बीच और फेस के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस आने लगा, यहाँ शाइनी शाइनी से हो रहे। तो आफ्टर क्लीनिंग अब मैं फेस को कर रही हूँ अच्छे से मसाज, यानी स्किन को अच्छे से मसाज दूंगी, और ये मैं एलोवेरा की यूज़ से कर रही हूँ, तो ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप करो तो आपकी स्किन टाइटनिंग होगी, पूरे स्टेप्स बताए गए हैं, तो नेक्स्ट वाली वीडियो पे ज़रूर गाइस नज़र रखना। उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना पैक, तो चलो बना लेते हैं पैक। और ये जो मैं बना रही हूँ फेस पैक, ये एक्चुअल में है एक कौन सा वाला पैक, मैजिकल पैक, ठीक है ना। तो ये मैंने मैजिकल इंग्रेडिएंट्स में मिलाया है, वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलो फाइनली इस पैक को बनाकर रेडी करते हैं और इसको फेस पे कर लेते हैं अप्लाई। तो पैक बन के हो चुका है रेडी, और मैंने छोटू सी कटोरी में बनाया पैक को, हम करेंगे अप्लाई। चलो कर लेते हैं। और ये जो पैक बनाया है मैंने, या एक मास्क बोल सकते हो आप, ये काइंड ऑफ पील ऑफ मास्क है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन में। इससे आपके जो फेस पे डलने से या ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाएगी, उसके बाद डेड स्किन चली जाएगी आपके फेस के, अगर आपको वाइट हेड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है तो वो भी जाएगी, और छोटे छोटे जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो भी चली जाएगी। अब मैं अपने हैंड्स को कर रही हूँ स्क्रब, तो ये किस चीज़ से कर रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, चलो अब इसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा घिस घिस के इसको करना है ऊपर की तरफ, ताकि आप इसको जब रब करोगे ना तो आपके फेस में जितने भी डर्ट्स हैं वो आराम से रिमूव हो जाएंगे। सो फ्रेंड, मैंने फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो ये इस तरीके से कुछ रिजल्ट आया है, और नोज़ के यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए मैं बाहर आके शूट कर रही हूँ ताकि प्रॉपर रोशनी मिले, प्रॉपर लाइट्स पड़े, और यहाँ जितने भी छोटे छोटे डॉट्स थे वाइट हेड के, अब कुछ भी लिटरली दिख नहीं रहा है, पूरा अच्छे से रिमूव हो चुका है यहाँ और यहाँ पे थे मुझे, और यहाँ के जो हेयर्स थे छोटे छोटे, और यहाँ पर भी जो हेयर्स थे कुछ यहाँ थे, एक दो हेयर्स यहाँ अपर लिप्स के यहाँ पे थे, सारा जब ऐसे रब करके निकाला ना उस पैक को, उसके साथ इधर के हेयर्स वगैरह सारे के सारे निकल गए। फ्रेंड चलो जल्दी से नहा धो लेते हैं, फेस वेस अच्छे से वॉश कर लिया है, वरना मम्मी पिटाई कर देंगी, ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके हैं, चलो नहाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड फाइनली नहा धो के आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 बज गए, और बाल बाल पूरे तरीके से गीले, ये पीछे रहा टॉवल, जस्ट नहा के आए, कपड़े बस पहना है, और फेस भी देख सकते हो क्या शाइनी हो रखा है, बाल पूरे तरीके से गीले, ठंड भी लग रही, बिकॉज चार से ज़्यादा बज चुके हैं, शाम हो चुकी है लिटरली। तो चलो फटाक से बाल बाल सुखाते हैं, और फेस पे जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया, और लिप्स पे हल्का सा लिप बाम, तो आप देख सकते हो फेस भी ग्लो कर रहा है, इसलिए मैंने अंदर शूट नहीं किया, मैंने कहा बाहर की डे लाइट में शूट करते हैं, और डे लाइट अभी बचा ही नहीं है, डिम हो चुकी है बाहर, तो ऐसा दिख रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं, जल्दी से बाल बाल सुखाते हैं, वरना वीडियो बनाने के चक्कर में सर्दी हो जाएगी और खांसी स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाक से चलो बाल को सुखाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड फाइनली ये रहे मेरे हेयर्स। सो मैंने इस पे हल्का सा ब्लू ड्रायर किया था, कैसे लग रहे हैं, और ये बैक से भी आप देख सकते हो, ये मिरर में आप पीछे देखो बैक से भी दिखेंगे, और फ्रंट से कुछ इस तरीके से हैं। ये गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है ना क्या करना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मौसमी की दुनिया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्रिप्शन क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो दिल खोल के करो, बाय बाय, लव यू।